महाराज हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ करके देखा है और कहने लगे, रानी क्या रोहतास जमीन पर गिर गया है? छोड़ो, इस बच्चे से मोह मत कर, सच ये है। इसे होश आ जाएगा, मैंने क्या कहा? दुख तुम्हें है तो दुख हमें भी है, पुत्र तुम्हारा है तो पुत्र हमारा भी है, लेकिन अब क्या करूं? जो मैं कदम आगे रख चुका हूं वो पीछे नहीं लग सकता हूं, सच ये है। दोस्तों, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं इस बच्चे के ऊपर हवा कर दो, इसे होश आ जाएगा, तब तक विश्वामित्र आ गए और कहने लगे, हरिश्चंद्र ऐसा करो, ये प्यास की वजह से तुम्हारा पुत्र जमीन पर गिर गया है, हमारे कमंडल में इसमें जल है, ऐसा करो आप पी लो, अपनी रानी को पिला दो और अपने पुत्र के मुख में डाल दो, ये होश में आ जाएगा तो चलने लगेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी मैं अपने राज्य में पानी नहीं पीऊंगा। हाँ, इतना जरूर है अगर हमारा पुत्र पानी पिए तो उसे आप पिला सकते हैं। इधर विश्वामित्र जो थे वो पहुंच जाते हैं रोहितास के पास में और कहने लगे, बेटा तेरा बाप तेरी माँ ये बड़े निर्दयी हैं,
जो तेरे ऊपर दया नहीं आती है। ऐसा कर बेटा, मेरे पास ज्यादा जल नहीं है, इसमें थोड़ा है और तू पानी पी ले। आंखें खोली हैं रोहितास ने और कहा है, स्वामी जी मैं पानी नहीं पीऊंगा। सच ये है, आप तो विप्र बड़ बड़े ज्ञानी हैं, सच ये है, ये पानी हमें ना दिखाओ, मैं तो खुद ही पानी पानी है मेरे भैया। ऐसे शब्द कहने के बाद रोहितास उठ करके खड़ा हो गया, बोलिए गोविंद भगवान की, आगे को बढ़ने लगा। जिस समय जेठ मास की लू चल रही है, पैर जमीन से जल रहे हैं, इधर आंग को बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन लिखा तो यहां तक है। कह तू रात तीसरो दिन है रे, और वन मिलो है नानी, पछाड़ खा के जमीन पर गिर जाती है। विश्वामित्र ने देखा, गजब हो गया लोगों। जिस समय महात्मा जी कहने लगे हैं, पहले बिकने के लिए आई अब चोचले बनाए रही, उसी समय महाराज हरिश्चंद्र समझाते हैं, रानी थोड़ी देर तक हिम्मत धारण करो। साहित्य मालूम पड़ता है कि काशी आ चुकी है, थोड़ी देर तक हिम्मत धारण करो, हम तुम काशी में आ चुके हैं। रानी जिस समय चलने लगी है दोस्तों, जिस समय ये काशी में पहुंच जाते हैं, भारी भक्त भारी समय, महाराज हरिश्चंद्र उस काशी की गलियों में आवाज लगाते हुए गुनगुनाते हुए जा रहे हैं और कहते हैं, काशी के लोगों मेरा कोई धर्म बचा लो, कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, सुबह बिना मन कोई हाथ लगाने आए, आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। इधर काशी के बाजार में जिस समय पहुंचते हैं दोस्तों, वहां पर पहुंच करके विश्वामित्र भी आवाज लगा रहे हैं, सुबह से लेकर के
शाम होने के लिए आ गई, लेकिन उन्हें कोई खरीदार तैयार नहीं हुआ। विश्वामित्र आवाज लगाते हैं, हे काशी के लोगों, आज तुम्हारे बाजार में ऐसी चीज बिकने के लिए आई है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बालक है, जिन तीनों की कीमत 60 भार सोना है। दोस्तों और आवाज क्या लगा रहे हैं, के तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहां, संजू के तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहां, लेने वाले नया हे काशी के लोगों, आने ले जाओ तीन प्राणी खड़े आज बिकते आवाज लगा रहे हैं काशी के लोगों, हाले ले जाओ जिन तीनों की कीमत 60 भार सोना है। काफी समय हो गया, संध्या के समय एक मेहतर आया और कहने लगा, कौन बेच रहा है ने? विश्वामित्र कहने लगे, हम बेच रहे। जवाब दिया, इस मर्द की कीमत क्या है? विश्वामित्र कहने लगे, इस मर्द की कीमत, अरे एक लोगे या तीनों लोगे? जवाब दिया, हम इस मर्द को खरीद सकता हूं। जवाब दिया, इस मर्द की कीमत 20 भार सोना है। जवाब दिया, ऐसे नहीं खरीदेंगे, इससे पूछो, हमारे यहां मरघटिए का काम करता रहेगा। जो इतने शब्द सुने हैं दोस्तों, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भैया क्या कह रहे हो, मरघटिए का काम? उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, तो राजा बोला, मर घटिए से कोई घटिया काम दीजिएगा, लेकिन भैया जा बाबा के हाय करज सदूर कीजिएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या कह रहे हो, मरघटिए का काम? अरे मरघटिए से भी घटिया काम समझे, वो हमें दे देना, मैं वही करता रहूंगा, लेकिन इस महात्मा के कर्ज से अदा कर। राजा बोला, मरघटिए से घटिया काम दीजिएगा, अरे
पर घटिए से भी घटिया काम समझे वो हमें दे देना, मैं वही करता रहूंगा। ठीक है, मैं तुझे खरीद लूंगा। उसी समय 20 भार सोना ला करके उस मेहतर ने दिया है। रानी ने महाराज हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और कहा, श्रीमन अवीना बिको, पहले हमें और अपने पुत्र रोहितास को बेच दें, उसके बाद में इसके साथ में जाना। विनती की है महाराज हरिश्चंद्र ने, जब अब यह थोड़ी देर तक रुको, हम अपनी पत्नी को अपने पुत्र को बेच दें, उसके बाद भैया तुम्हारे साथ चलेंगे। वही हुआ दोस्तों। इधर एक ब्राह्मण आता है 40 बार सोना दे करके और उस रानी और पुत्र रोहितास को खरीद लेता है। क्या था विधि का विधान, तीनों अलग अलग हो गए। महाराज हरिश्चंद्र जो रानी तारा के पास खड़े थे वो हट करके दूर खड़े हो गए। रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र से दूर खड़ी हो गई। हरिश्चंद्र के मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकली, मेरे घर की लक्ष्मी तेरी जय हो। जाओ रानी तारा, जहां भी रहना वहां सुखी रहना, मेरी भूल के याद मत करना। भाइयों, इधर तीनों प्राणी चल देते हैं। उस कालू मेहतर के साथ में महाराज हरिश्चंद्र चले हैं और ब्राह्मण के साथ में रानी तारा पुत्र रोहितास चलते हैं। इधर उस रानी के हृदय में दया आ गई, सोचने लगी शायद अब हमारे पति से हमारा दोबारा मिलन नहीं होगा, अब क्या होगा। जाकर के दौड़ी और विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए। विश्वामित्र दादी को पीस करके कहने लगा, कमबख्त अरे ले जाओ उसे। खड़ी हो गई वो दुखिया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी जी आप हमें बेचने के लिए लाए हैं तो हमें तीनों प्राणियों को इकट्ठा रहने दीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, ले जाओ इसे, हरे ले जाओ। ब्राह्मण के पास में रानी तारा पहुंची, फिर भी हृदय में तसल्ली नहीं आई। अपने पति के चेहरा की तरफ देख करके सोचने लगी, अब हमारे पति से दोबारा मिलन नहीं होगा। दौड़ी और कहने लगी, स्वामी अरे ठहर जाओ, रुक जाओ, मैंने क्या कहा, रुक जाओ कि जरा ठहरो ठहरो, लाल जी कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है। और अभी मैंने रुक जाओ, मैंने क्या कहा, रुक जाओ ना स्वामी। तुम्हारा जिंदगी का मिलन है, अब शायद दोबारा मिलन नहीं होगा। दोस्तों, वहां से रानी तारा पुत्र रोहितास ब्राह्मण के आंगन में पहुंचते हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र उस कालू मेहतर के आंगन में पहुंचते हैं। रात भर लेट करके विश्राम किया है। सवेरा जब हुआ है दोस्तों, तो उस मेहतर ने झाड़ू पकड़ाया है हरिश्चंद्र को और कहा कि जाओ ये झाड़ू हाथ में उठाओ और काशी की गलियां साफ करके आओ। मैंने क्या कहा, देख लीजिए भक्तों भक्त का फेर, समय बदलते देर नहीं लगती है। इधर महाराज हरिश्चंद्र जो थे
हाथ में झाड़ू लेकर के काशी की गलियां साफ करने लगे। क्या था विद का विधान? और भाइयों ये हकीकत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अरे पल में जाने क्या न क्या हो जाए। मेरी समझ में तो सिर्फ यही आया, वही राजा जिसके चेहरा की तरफ हजारों इंसान टकटकी लगा करके देखते थे, आज वो काशी की गलियां साफ कर रहा है। भारे भक्त भारे समय, मेरी समझ में तो सिर्फ यही आया। अरे बलियारी ही बलियारी, और समय तेरी ही बलियारी। भगवान न करे ऐसा भक्त किसी को देखने को मिले। संजू अरे बलियारी बलियारी, कहाँ हो अरे बलियारी बलियारी, शमे तेरी ही बलियारी। कहाँ वही राजा जो शासन किया करता था, हर प्राणी राजा के चेहरे की तरफ देखा करता था, लेकिन आज काशी की गलियां साफ कर रहा है। अरे राजा से हो गए भिखारी, अरे राजा से बन गए भिखारी, अरे समय परियो मोड़ तोड़ ले। याद
रखना दोस्तों। इधर महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करके आते हैं, इधर काली मेहतर ने भोजन परस दिया है। महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उस विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं आया। एक कोड़ी का रूप धारण करके उसी रास्ता से निकले हैं वो विश्वामित्र, और गुनगुनाने लगे, आवाज लगाने लगे, यदि कोई मेरी आवाज सुनता हो तो हमें भोजन करा दो, मुझे 10 दिन हो गए हैं, मेरे पेट में अन्न नहीं गया है, मैं भूख से मर रहा हूं। हरिश्चंद्र सोचने लगे, बा भाई बा, इसे 10 दिन हो गए हैं और इसे भोजन नहीं मिला है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो आज 6 रोज हुए हैं। भोजन उठाया और उस कोड़ी को खिला दिया। दूसरे दिन जब भोजन करने के लिए बैठे तो अंधे का रूप धारण करके आ गए। बेटा लाल जी ध्यान कहां है, अंधे का रूप धारण करके आ गए और आवाज लगाने लगे, यदि कोई हमारी आवाज को सुनता हो तो हमें भोजन करा दो, आज मुझे 11 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है। महाराज हरिश्चंद ने भोजन उठाया और उस अंधे को भोजन करा दिया। प्रमाण तो ये मिलता है कि 27 दिन गुजर गए लेकिन हरिश्चंद को भोजन नहीं करने दिया विश्वामित्र ने। अब शरीर से बहुत कमजोर हो गए, अब नहीं चला जा रहा है। एक दिन कालू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया, हाथ में घड़ा उठा और पानी भर के ला। दोस्तों हाथ में घड़ा लेकर के महाराज हरिश्चंद्र चले हैं पानी भरने के लिए। उस नदी का नाम क्या था, उस नदी का नाम कामसा नदी था। मेरे भैया वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर पहुंच करके घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में वो शक्ति वो ताकत नहीं है जो घड़ा उठा करके सर के ऊपर रख लेते। आज घड़ा पे मोर रख करके रोने लगे, हे प्रभु तू हमारी कितनी परीक्षा लेगा, कितनी परीक्षा लेगा। रोने लगे के मोह पे मोत हरी लाओ भूप की फूट गई थी बबुकारी पे। क्या लिखा था तूने मेरी किस्मत में प्रभु, क्या है तेरी लीला। जैसे ही देखा है संकेत किया है इधर आओ, जैसे ही रानी तारा ने अपने पति के चेहरा की तरफ देखा, सोचने लगी बा भाई बा,
हमारे पति की हालत क्या है। मालूम पड़ता है कि हमारे दुख में पुत्र के दुख में इन्होंने भोजन नहीं किया है, इसलिए शरीर से कमजोर हो गए हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे पहचानो, मैंने क्या कहा, पहचानो मैं वही राजा हूँ जो तुम हमारी आरती उतारा करती थी। सच्ची है, एक उपकार कर दो, एक एहसान कर दो हमारे साथ में। रानी अरे बोलती क्यों नहीं, और बोले महाराज हरिश्चंद्र दोस्तों, रानी उठवाई दे तारा के प्यारी उठवाई दे जगरिया मेरी मेरे शरीर में वो शक्ति वो ताकत नहीं है जो हम घड़ा उठा करके अपने सर के ऊपर रख ले, जरा सी ताकत लगा दो ये घड़ा हमारे सर के ऊपर पहुंच जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा। और महाराज हरिश्चंद्र बोले, प्यारी उठ भाई गगरिया मेरी गगरी बहन, रानी कहने लगी, नहीं मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाऊंगा। क्यों, अरे पहचानो मैं तुम्हारा पति हूँ। रानी कहने लगी, सच्ची है तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को छू लिया ना तो क्या होगा, जवाब दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाऊंगी। अकल बता सकती हूँ, तुम पानी में घुस जाओ, जब तुम्हारी कमर तक जला जाए उसके बाद थोड़ा सा सहारा लगा देना घड़ा में, ये घड़ा तुम्हारे सर के ऊपर पहुंच जाएगा। दोस्तों इतने शब्द कहने के बाद वो रानी तारा अपना घड़ा भर के वहां से चली गई। महाराज खड़े खड़े रह गए, सोचने लगे क्या ये वही रानी है जो हमारी आरती किया करती थी, हमें जब तक भोजन नहीं करा लेती थी तब तक ये भोजन नहीं करती थी। सोचने लगे शायद पहले इसका स्वार्थ था, मतलब था। और ये दोस्तों हकीकत है कि स्वार्थ बिना कोई बात न पूछे देखा खूब विचार, स्वार्थ बिना कोई बात न पूछे देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। त्रिया वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और जो बल्लाए के न दे तो मुखड़ा लेते बिगाड़े, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे माँ करती है प्यार, और पिता कहे मेरे पुत्र सतपुता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा है। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे शायद पहले इसका स्वार्थ था, और मेरी भी समझ में यही आया संजू, स्वार्थ की बात है ना, मतलब अपना मतलब कैसा है, ये अपना मतलब, ये सात अक्षरों का संसार, अपना मतलब, मतलब के हम मतलब के तुम, मतलब का सारा जहान देखा और बिन मतलब के जो मिल जाए तो हमने आज खुदा देखा। दोस्तों मतलब का ये संसार है, मैंने सोचा कि मतलब के बिन, कि मतलब के बिन और कोई ना किसी का है प्यारा,
मतलब के दिन कोई ना किसी का है प्यारा। वो कैसे जब तक बैल चल तो है हरमी तब तक डारे चारा। जब तक बैल चल तो है हरमी तब तक डारे चारा। महाराज हरिश्चंद्र शायद इसका पहले मतलब था स्वार्थ था, इसलिए हमारी सेवा करती थी। भाइयों जो त्यों करके घड़ा तो उठा लिया है, आगे बड़े पैर में ऐसी ठोकर लगी जो महाराज हरिश्चंद्र गिर गए, घड़ा भी टूट गया। इधर खाली हाथ उस मेहतर के सामने पहुंचे हैं। कालू मेहतर कहने लगा, हरिश्चंद्र तुम खाली हाथ, अरे घड़ा कहाँ है? जवाब दिया, श्रीमन वो हमसे टूट गया। क्या घड़ा टूट गया? अरे कमबख्त, तेरे शरीर में इतनी शक्ति वो ताकत नहीं थी जो कि यहां तक घड़ा ले आता, अब तो सही ये भी काम नहीं होगा। ऐसा कर, हाथ में लाठी उठा और मरघट पर जाकर के रखवाली कर, कर का टका तुझे वहां मिलेगा, उसी से गुजर कर। हाथ में लाठी लेकर के महाराज हरिश्चंद्र उस मरघट पर पहुंच जाते हैं। देख लीजिए वक्त का फेर, बाहरी समय बाहरी वक्त। आज मरघट पर हरिश्चंद्र पहुंच जाते हैं। इधर रानी तारा ब्राह्मण के आंगन में रह रही हैं। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ, ब्राह्मण आया और कहने लगा, कहां है वो तुम्हारा पुत्र? अरे सारे दिन खेलने के अलावा उसका कोई दूसरा धंधा नहीं है। अरे उससे कहो पूजा का समय हो गया है ना, बाग से फूल तोड़ करके ले आया। थोड़ी देर के बाद रोहितास भी आ गया। मैया कहने लगी, लाला इस तरीके से खेलने के लिए मत जाया करो मेरे पुत्र, देख रहे हो पूजा का समय हो गया, बाग में चले जाओ फूल तोड़ करके ले आओ। मैया कहने लगी, तो मैया बोली रोहित से और दौड़ी झपटी बेटा जइयो और पूजा के बाग में तुम भूल थोड़ी ले आइयो। माँ कहने
मेला चले जाओ। आज्ञाकारी ने जरा भी देर नहीं लगाई है दोस्तों, हुआ क्या रे हो न क्या था कि मात की मातन भी लटलिया हाथन भी कुमार चलो बाग में पहुंच जाता है। वहां पहुंच करके क्या देखा, क्या देखा, फूल एक खिला हुआ बड़ा सुंदर सा, फूल एक खिला हुआ सब सियर छुपा हुआ मन में सोचे सोचने लगा इसी को तोड़ करके ले जाएंगे तो आज ब्राह्मण बड़ा खुश होंगे। लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं आया, वो सी फूल में नाग बन करके छुप गए। जब फूल तो कड़ी करो इतनी हंसी की आंख बढ़ाओ सोई विश्वामित्र ने नाग बन आए पहुंचा है रोहितास और फूल देखा है बड़ा सुंदर सा है। विश्वामित्र उसी फूल में नाग बन करके छुप गए। रोहितास ने जैसे ही तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है तो विश्वामित्र उंगली में डस लिया, हाय मां कह करके रोहितास जमीन पर गिर गया। दोस्तों जब जमीन पर गिर गया है अब तो हाय मां कह करके चीख रहा है। उसकी आवाज सुनने वाला दोस्तों वहां पर कोई नहीं था, कोई नहीं था और कहने लगा है माँ मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हूँ, मुझे किसी निर्दयी सर्प ने डस लिया है माँ, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हूँ। मैंने क्या कहा माँ, मेरी आवाज सुनो माँ, अब मैं नहीं आ सकता हूँ। मेरे भैया उसी समय विश्वामित्र दौड़े हैं वहां से और पहुंच गए काशी की गलियों में, आवाज लगाने लगे हे काशी के लोगों, किसी का बहुत सुंदर बालक रोजाना फूल तोड़ने के लिए जाता था, आज उसे किसी निर्दयी सर्प ने डस लिया है। हाय जो मैया के कानों में आवाज पड़ी दोस्तों, भोजन कर रही थी वो माँ तारा, आवाज सुनकर के भोजन बंद कर दिया और ब्राह्मण के पास पहुंची और कहने लगी ब्राह्मण देव सच ये है,
आज मेरे पुत्र को किसी निर्दयी सर्प ने नस लिया है, मुझे आज्ञा दे दो वरना हमारा पुत्र हमें देखने को नहीं मिलेगा। ब्राह्मण कहने लगा, कमबख्त भोजन बनाना छोड़ दिया और बाग की तरफ भाग खड़ी हुई। पहले भोजन बना उसके बाद कही जा सकती है। मेरे भैया आज वो मैया रसोई में बैठ जाती है, भोजन बनाने लगी। लिखा तो यहाँ तक है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि पराधीन होरि सपनिउँ सुख नाई, और करी विचार देखो मन माही। दोस्तों उस मैया ने भोजन बनाया है और भोजन बनाने के बाद में फिर से ब्राह्मण के पास दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी अब मैं जा सकती हूँ। जब अब ये पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद कहीं जाना, माँ ने भगवान का भोग लगाया उसके बाद में वहां से चली है। जहां पर रोहितास चीख रहा था हाय माँ हाय माँ कह करके वहां पर पहुंची है वो मैया। आज रोते रोते रोहितास बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया था। दोस्तों इधर मैया पहुंची है, आज अपने पुत्र को गोद में रख करके रोने लगी और कहने लगी लाला तुम्हें क्या हो गया मेरे पुत्र, अरे कुछ तो बोलो मेरे लाला, क्यों नहीं बोलते हो बोलो। माँ की आवाज सुनी तो रोहितास कहने लगा माँ तुम क्यों चीख रही हो, मुझे किसी निर्दयी सर्प ने डस लिया है माँ, अब मैं नहीं बच सकता हूं। सच ये है हमारा सौभाग्य है जो आज हमारे प्राण माँ की गोद में निकल रहे हैं। सच ये है माँ, अब तुम मत रो माँ मत रो माँ, सच ये है भैया जो दुख सुख की सो है भैया से कही नहीं बच सकता हूँ माँ। जो दुख सुख की कहो सो जननी आप से कही दे, नहीं बच सकता हूँ माँ। मेरी माता हमारी बिगड़न लगी जवान है।
खत्म हो जाता है तो आज वो मैया उस लहस को गोद में रख करके रोने लगी और कहने लगी, बेटा अब मैं कहां जाऊं, अब मैं दुनिया में जी करके क्या करूंगी, कैसे विलाप करती है। आज वो मैया लहस पर तारा विलाप करती है कि ओ बेटा ओ बछड़ा और तुम कहां गए बेटा, छोड़ करके तुम चले गए, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरी गोदी का खिलौना वो भी हमसे दूर हो गया और क्या विलाप करती है।
बेटा तुम्हें क्या हुआ लाला कि मेरे बेटा तुम्हें क्या हुआ और कैसी नींद आई तुम अपने साथियों के साथ अयोध्या में खेल खेला करते थे वो दिन हमें याद है खेल खेल करके जब हमारी गोद में बैठते थे आज तारा बिलाप करती है निर्दयी सर्प ने डस लिया है। अरे इसकी लहस को ले जाकर के कहीं दाग क्रिया करो। मेरे भैया मां के पास इतना वस्त्र भी नहीं था जो उस बच्चे के ऊपर लहस के कफन भी डाल देती। मेरे भैया अंत में हुआ ये आज इस मालिन की बात सुनकर के मां ने क्या किया है। धन है ऐसी माता को। अरे आधी साड़ी
थारी माथने फुरबलला को कफन बनाओ। क्या था भक्त? अरे आदि साड़ी थारी माथने फुरबलला को कफन बनाओ। रोबत रोबत चलिया गारू जानी पैर बड़ा आज माँ आदि साड़ी को बाहर कफन बना लेती है और आगे को आंखों में आंसू। बहती हुई आग पे बढ़ती हुई जा रही है। अरे पहुंच गई शमशान घाट में बेटा तो तुम जाई। अरे पहुंच गई शमशान घाट में बेटा तो तुम जाई। और चिता की काज है भागी भागी चल बैठी लाई। मेरे भैया आज तो मैया मरघट पर पहुंच जाती है। आज लहस को रख करके माँ दौड़ती है। अरे की नन गई है लाई कबहू बाबू गोदी में लेती उठाई। और के नाच गाजे बहुत बहुत की नन गई है लाई। अरे टोटा किसी की मत ना आई ये सबसे बुरा है टोटा। भगवान करे ऐसा भक्त किसी को देखने को मिले। शिवम भैया अरे टोटा किसी की मत ना आई ये सबसे बुरा है टोटा। और लंचा गुंडा नाम धरा ले गई मान बनाए अपनी जिंदगी की झलक है। अरे एक बार भी ब्रजेश भैया बहन से मिली बेधाओ। वो दिन वो वक्त वो हमें समय याद है जब रक्षा बंधन का समय था और हम अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए गया था। दोस्तों एक बार ब्रजेश भैया बहन से मिली बेधाओ। और तीन कोस हम चले थे पैदल पास में ना ये टोकराओ। इस समय हम अपने गांव से और मैनपुरी में आए हैं और मैनपुरी से जब हम तीन कोस पैदल चले हैं और अपनी बहन मीना के यहाँ पहुंचे हैं ग्राम रुस्तमपुर में। अरे आप देखो जब भैया को बहन को दिल हर्षाओ। अरे आप देखो जब बहना ने अरे आप देखो जब भैया को बहन को दिल हर्षाओ। और बड़े प्यार से बहन मीना ने रक्षाबंधन का समय था संजू। जैसे ही हमारी बहन ने आते हुए देखा
बड़ा सम्मान किया। उसके बाद अरे राखी बांधन को बहना ने पगड़ी मेरी गलाई। उस समय हमें याद है, और दोस्तों समय को याद ही रखना चाहिए। वक्त समय जो भूल गया वो इंसान नहीं है। अरे राखी बांधन को बहना ने पगड़ी झपट गलाई। हम फूटी फूट के रोने लगे मेरे पास भी नहीं थी पासी। ऐसा ही नहीं बना रहेगा, लेकिन अब तो भगवान की कृपा से सब कुछ है। लेकिन वो हमारी बहन नहीं है, वो खत्म हो गई है। पुत्र की लहस को जब मरघट में लेकर के पहुंचती है, महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है ये मरघट है, यहाँ कोई रखवाला भी रहता है, इस तरीके से मुर्दा नहीं जल पाएगा, हमें कर का एक टका चाहिए। रानी कहने लगी, पहचानो श्रीमन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जैसे ही देखा कि तुम यहाँ, ये कौन है? जवाब दिया, ये पुत्र रोहतास खत्म हो गया है, किसी निर्दयी सर्प ने डस लिया है। महाराज ऐसे शब्द सुनने के बाद पछाड़ खा के गिर गए, होश आया और अपने कर्तव्य का जब ख्याल आया, कहने लगे देखो इस तरीके से यह छता मत बनाओ, हमें कर का एक टका चाहिए, तब मुर्दा चलेगा मेरे भैया। रानी कहने लगी, पहचानो ये तुम्हारा ही तो पुत्र है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल हो गई क्या? बादल की याद करो, तुम भी हमारी रानी थी। जब तुमसे मैंने घड़ा उठवाने के लिए कहा था, तुमने घड़ा नहीं उठवाया था। भला हम अपने मालिक के ऑर्डर को कैसे टारे? और कहा बोले कि तू बिरथा लेस धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारी। झुको मरन मेरो नहीं तू नारी हमारी। इस तरीके से नहीं, हमारा तुम्हारा प्रेम अयोध्या में था, लेकिन अब बिना करके कथा के मुर्दा नहीं जलेगा। और कहा बोले अरे काशी में आई के छुपे सब नाते हैं, लाला मैं मेरो नहीं
मुर्दा तब यहाँ चले जगाते हो कर को है। तब यहाँ चले जगाते हो कर को है और कारण को है घाट नाई मेरे घर को है। दोस्तों इधर जवाब दिया है सच ये है, ऐसा करो हम बिना टका के मुर्दा नहीं जलने देंगे। रानी कहने लगी बच्चे की लहस को जल जाने दीजिए, उसके बाद हम टका का भी इंतजाम करूंगी। भाइयों राजा और रानी पछाड़ खा के गिर जाते हैं। इधर जब होश में आए हैं तो जवाब दिया अब हमें कर का टका चाहिए। रानी कहने लगी श्रीमन तुम्हें जहां से दिखाई देता हो वहां से ले लो। और तो कुछ नहीं था, वो मैया तारा जो आदि साड़ी पहने थी वही महाराज ने खींच ली। इधर हुआ क्या, जब ये वस्त्रहीन हो जाती है रानी तारा एक मंदिर में जाकर के पछाड़ खा के गिर जाती है। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं आया, कहीं से एक बालक को लेकर के मुर्दा को रानी के पास लेटा दिया, होठों से खून लगा दिया और काशी की गलियों में आवाज लगाने लगा, हे काशी के लोगों एक डायन आई है जो संतान को खा रही है, वो मंदिर में है, देखो उसे। किसी का बहुत सुंदर बालक खा रही थी। सब लोग दौड़े कालू मेहतर के पास में पहुंचे। जवाब दिया ऐसा करो तुम राजा के पास चले जाओ। जैसे ही राजा के पास कालू मेहतर पहुंचा है राजा कहने लगा देखो जाओ उसका वध करो। उसी समय कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, कहने लगा कि इसी दिन के लिए तुम्हें खिला पिला करके तंदुरुस्त किया है, यह पकड़ो मेरी तलवार और जाकर के उस डायन का वध करो। दोस्तों हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार उठाई और उसी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं तो क्या देखा, रानी तारा पड़ी है। आवाज लगाई क्यों री, तेरा पुत्र मर गया है, उसके दुख में तू दूसरे के संतान खाने लगी। रानी की आंखें खोली देखा और कहने लगी श्रीमन ये क्या मैं देख रही हूँ, ये छल मेरे साथ में किसने किया। हरिश्चंद्र कहने लगे मुझे पता है कि तुम कदापि ऐसा कदम नहीं रख सकती हो, लेकिन मैं अपने मालिक के ऑर्डर से तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, मारूंगा छोड़ नहीं सकता हूँ मेरे भैया। रानी कहने लगी महाराज कुछ सोच समझ के फैसला करो, वैसे अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन कुछ सोच समझ के फैसला करो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी अब कोई फैसला नहीं है, सच ये है। के जीवन की अंतिम श्वासें हैं, हे रानी के जीवन की अंतिम श्वासें हैं और बस यही है कहना। दोस्तों
रानी कहने लगी, ठीक है अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उसी समय दोस्तों महाराज ने जरा भी देर नहीं की, हुआ क्या रे, होता क्या था, अरे ताती पीस के राजा नहीं कहते हरिशन एक अबला के ऊपर ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम तलवार उठा रहे हो। आहा हरिशन कहने लगे, जिस समय स्वयं भगवान आ जाते हैं विश्वामित्र से हरिश्चंद्र कहने लगे, तो मैं अरे हमारे राज की क्या दशा होगी, जवाब दिया सब ठीक है, क्षमा करना बेटा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। रानी कहने लगी, परीक्षा तो हमारा पुत्र कहाँ है, जवाब दिया आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई है तो रोहिता से भाग करके माँ की गोद में आ जाता है, बोलिए गोविंद भगवान की, मेरे भैया इधर भगवान आ जाते हैं, कहते हैं बेटी तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। महाराज हरिश्चंद्र से कहा, विश्वामित्र कहने लगे बेटा क्षमा करना, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, जवाब दिया परीक्षा ली थी, इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठोर मेरी परीक्षा, तुमने जरा भी कसर नहीं छोड़ी मरवाने में। मेरे भैया जवाब दिया खैर तुम हमसे वरदान मांगो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे बेटा क्षमा करना, एक बार तुम तुम्हारे गुरुजी से हमारी अनबन हो गई थी, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली। भाइयों भगवान कहते हैं अब तुम वरदान मांगो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे तुम हमसे भी कुछ मांग लो। जवाब दिया तुमसे मांग ले, खैर कोई बात नहीं मांगेंगे, सच ये है ऐसी हमारी परीक्षा लई सो लई, लेकिन कलयुग में ऐसी परीक्षा लेवे को मत जइयो न बिना लठ पर ना बचियो। इधर मां से कहा है बेटी तुम वरदान मांगो, तो मैया ने सिर्फ यही कहा है अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो मैं जब जब धर के दे प्राणियों को लेकर के अयोध्या में आते हैं। अब तो अयोध्या में जय जयकार होने लगी है दोस्तों। इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि अब हमें
भगवान का भजन करना चाहिए। हमारा पुत्र रोहितास है वो राज्य संभालेगा, रोहितास को राज्य देकर के और महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा भगवान का भजन नहीं बल्कि स्वर्ग धाम के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली।